तो बात करेंगे सीजीएल 24 के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी डाउट में हैं कि हम मेंस की तैयारी करें या न करें। दोस्तों 3.5 लाख लोगों का डाटा दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आप मेंस की तैयारी में लगना है या नहीं लगना है। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी सीजीएल मेंस की तैयारी में लग रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो कन्फर्म है, क्लियर पास कर लेंगे, तो दोस्तों वो यहीं पर वीडियो को स्किप करके जो अपनी मेंस की तैयारी में लगे रहें, ठीक है। तो किसको तैयारी करनी चाहिए, टीयर वन का रिजल्ट दोस्तों कब तक आ सकता है, ठीक है। सभी कैटेगरी की, यानी कि जिसमें इंक्लूडिंग किया मैंने ईएसएम और सभी को इंक्लूड किया है, उसकी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, जीएसओ की कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और क्या क्या चीजें आपके रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती हैं, रोंग के वसन कौन कौन से दोस्तों रोंग के वसन है, ये मैं आपको पीडीएफ जो मैंने डाल दी टेलीग्राम पे। नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली आपका इतने मार्क्स है, किसी का हो सकता है 12 नंबर इंक्रीज हो रहा हो, एक्चुअल में क्या पता 15 नंबर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। कैंडिडेट्स दोस्तों 10 गुना ही पास करेंगे या ज्यादा करेंगे, ये एसएससी को ही पता है। दूसरी चीज क्या है, वैकेंसी दोस्तों, ठीक है। ये चार चीजें हैं जो आपके जो है रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। यानी कि कहीं पर भी कोई भी चेंज यहां पर देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों डिटेल्ड बिल्कुल आपको जो है बता दूंगा मैं आपको, और आपको डाटा देखने के बाद ये पता लग गया कि हाँ इस तरह की चीजें जो है चल रही हैं, ठीक है। तो अभी तक भी YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको SSC से रिलेटेड कहीं पर भी भटकने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। दूसरी चीज क्या दोस्तों, रोंग के वसन का दोस्तों मैंने गूगल फॉर्म डाला था और उसके अंदर 122 जो है बच्चों ने यहां पर जो है बताया कि सर इस शिफ्ट में इतने 36 शिफ्ट हुई थी आपकी, ठीक है। तो एवरेज यानी कि एक दो तीन के वसन का जो है हर शिफ्ट के अंदर बच्चे जो है गलत बता रहे हैं, ठीक है। 36 की 36 शिफ्टों में जो है कोई ना कोई के वसन गलत बता रहे हैं, ठीक है। किसी में एक है, किसी में दो है। तो ये पीडीएफ दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपकी शिफ्ट के कौन से जो है के वसन रॉन्ग है, और आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं 8/10/2024 तक आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। 6 बजे तक का टाइम है, ठीक है। कोई भी अगर किसी एक बंदे का भी ऑब्जेक्शन अगर एसएससी ने एक्सेप्ट किया तो यानी कि उस शिफ्ट वालों को सभी को वो मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कोई के क्वेश्चन बिल्कुल ही रॉन्ग हो, उसके कारण जो आपके नंबर बढ़ सकते हैं, 2 नंबर का दोस्तों बोनस आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो इन चीजों का आपने जो है ध्यान रखना है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। कोई क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन अगर आपका ठीक हो गया, यानी कि 2 नंबर आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए, यानी कि 4 नंबर दोस्तों आपके इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो यानी कि ये सारी की सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपके मार्क्स को, इसलिए चिंता ना करें, ये एक बार पीडीएफ देख लें। और इसके बाद भी अगर कोई चीज लगेगी दोस्तों, वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म 2024 जहां पर अपने 50,000 मेंबर जो हैं हो चुके हैं, यूट्यूब पर बल्कि कम है थोड़े से, ठीक है, 1,000 मेंबर, लेकिन टेलीग्राम पर दोस्तों क्योंकि यहां पर हम सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते दोस्तों, ये है आपकी वैकेंसी का चार्ट, ठीक है। इस तरह से वैकेंसी का चार्ट दोस्तों आप देख सकते हैं, सभी कैटेगरीज का जो है यहां पर है, और अलग अलग मैंने बाइफर्केशन भी इसका कर रखा है, ठीक है। 2400, 2800, 2800, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे की दोस्तों 4781 वैकेंसी हैं, जो अपने आप में जो है पिछले दोनों साल से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। तो 15720 वैकेंसी तो दोस्तों ये हो गई। फिर 4800 ग्रेड पे WO की कोई वैकेंसी नहीं है, SI ग्रेड 2 की 85 वैकेंसी है, और JSO की दोस्तों 725 वैकेंसी है। 4200 ग्रेड पे की जबरदस्त दोस्तों पोस्टर 16530 वैकेंसी का हमें डिपार्टमेंट वाइज पता लग चुका है, और टोटल वैकेंसी SSC ने टेंटेटिवली 17727 जो है बता रखी है, ठीक है। ये दोस्तों मैंने अपने RTI के माध्यम से, क्योंकि SSC ने तो अभी तक एक भी नहीं बताई, और हमें पता है कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, ये सारे चार्ट भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। एक स्टेट वाइज वैकेंसी के चार्ट वीडियो दोस्तों मैं अलग से लेके आऊंगा, उसमें सभी जो डिपार्टमेंट सभी की स्टेट वाइज वैकेंसी का जिक्र हम करेंगे, ठीक है। तो ये वाली वैकेंसी है, OBC वालों में दोस्तों इस बार अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अब रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, रिजल्ट दोस्तों आपका जो है 26 सितंबर को आपका एग्जाम खत्म हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पिछले ट्रेंड्स की, ठीक है, तो यहां पर 2024 के अंदर दोस्तों CHSL का जो रिजल्ट है 55 दिन के अंदर आ गया था, 55 डेज के अंदर आ गया था। इसका जो सबसे लेट आया था JEE का 75 दिन लग गए थे, CPO का 63 दिन में आ गया था, सिलेक्शन पोस्ट का 64 दिन में, यानी कि लगभग जो है दोस्तों 55 से लेकर 65 दिन का जो है समय लग रहा है। तो आपका रिजल्ट दोस्तों 20 से लेकर 30
नवंबर के बीच में जो है डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप तेईस से दो चार दिन पहले ही कर दें, ठीक है, हो सकता है 15 तक कर दें, लेकिन संभावना ज़्यादा इसी की है दोस्तों, 20 से लेकर 30 नवंबर के बीच में। ठीक है, 20 नवंबर से न्यू लगा लो स्टार्टिंग है आपकी, रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर आपका हो सकता है। ठीक है, तो अपनी बस पढ़ाई दोस्तों जबरदस्त तरीके से करते रहें। और अब बात करें तो दोस्तों किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, तो लगभग दोस्तों ये अनुमान है, ठीक है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ये आप देख सकते हैं, ये वाली शिफ्ट चीज भी दोस्तों कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स इंक्रीज होंगे, ये वाला डाटा भी दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहां से आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, बाकी रैंक मित्रा का दोस्तों इसका क्रेडिट आ जाता है, और रैंक मित्रा पे जो आप चेक कर रहे हैं वो और भी ज्यादा ऑथेंटिकेट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बस अपना एक ही फोकस होना चाहिए कि टीयर वन, दोस्तों आपको पता है कि 10 में से सिर्फ एक ही बंदा पास होगा। अब जिसने टीयर वन पास कर लिया दोस्तों वो बहुत बड़ा तीर मार खान नहीं बन गया है, अभी असली खेल बाकी है, चाहे किसी के कितने ही मार्क्स हों। ठीक है, लेकिन 10 में से एक को ही नौकरी मिलेगी, ये बात का आपने ध्यान रखना है। मेन फोकस यानी कि 390 नंबर में जो टारगेट है उसको लेकर चलना है। ठीक है, तो इसलिए इस 390 नंबर में से दोस्तों टारगेट के लिए किरण पब्लिकेशन ने जो है प्रैक्टिस सेट निकाल रखे हैं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जीके के। ठीक है, जिसके अंदर आपके जो PYQ हैं, ठीक है, 5 PYQ और 30 मॉक टेस्ट, यानी कि 35-35 दोस्तों प्रैक्टिस सेट इन्होंने डाल रखे हैं, तो विद डिटेल्ड इन्होंने सॉल्यूशन डाल रखा है। ठीक है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये बुक आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है चारों भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अब सभी सब अलग अलग सब्जेक्ट के तो दोस्तों हो गए, लेकिन कंबाइंड टेस्ट भी देना आपने जरूरी है, तो ये कंबाइंड टेस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने बना रखी है, जिसके अंदर मैथ रीजनिंग इंग्लिश GK और कंप्यूटर के जो है क्वेश्चन, कंप्यूटर भी दोस्तों आपको पता जरूरी है, तो इतने क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे डाल रखा है, तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दोस्तों ये चीज़ें तो आपने कर ली, कि इस बुक से कर लिया, अपने वीक टॉपिक को एरिया को कवर कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन आपको ऑल ओवर इंडिया में अपना रैंक भी पता होना चाहिए कि आपका ऑल ओवर इंडिया में रैंक आखिर क्या चल रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, जिसमें टेस्ट बुक ने जो है पास प्रो निकाल रखा है 608 में, ये वाला कूपन कोड लगाने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा SHL 12, जिसके अंदर आपको जो है चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे, टीयर वन के मिलेंगे, टीयर टू के मिलेंगे, CGL, CHSL, CPO, MTS, रेलवे, ठीक है, सारे मिलेंगे, ऑल PYQ मिलेंगे। इन सब चीज़ों से दोस्तों आप कुछ अपने मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स जो है इंक्रीज होंगे, और आपकी रैंक का पता लगे, आपको वीक एरिया का पता लगे, काफ़ी सारी चीज़ों का दोस्तों आपको जो है पता लग जाएगा। इस जो है ले सकते हैं आप, और एक कूपन कोड जरूर लगाना, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा SHL 12। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अपने एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था शुरू में 1,00,000 का डाटा था, फिर 1,62,000 का, फिर 3,16,000 का, और अब दोस्तों 3.5 लाख प्लस कैंडिडेट का डाटा जो है आ चुका है, यानी कि मैक्सिमम डाटा जो है जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं उनका डाटा दोस्तों आ चुका है, इससे ज़्यादा और डाटा आने की संभावना अब नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पहले दोस्तों हम 160 प्लस वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद नीचे की बात करेंगे। तो 190 से ऊपर दोस्तों पहले एक बच्चा था और नॉर्मलाइज्ड 102 है, और 160 से ऊपर दोस्तों 11,387 और नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है 32,262 बच्चे हो चुके हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर में। ठीक है, 3,16,000 थे जब दोस्तों यहाँ पर 10,686 थे। ठीक है, तो यानी कि अब डाटा में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 160 में टोटली 12,000 प्लस बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे कितना ही और डाटा जो है आ जाए। ठीक है, इससे ज़्यादा डाटा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों 32,000 बच्चे हैं जो 160 से ऊपर नंबर लेकर आ रहे हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ में। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बात करूं कि कैटेगरी वाइज डाटा अगर हम देखेंगे, तो कैटेगरी वाइज डाटा देखें दोस्तों, टोटल ये रा स्कोर है आपका कैटेगरी वाइज, और ये आपका नॉर्मलाइज्ड है। तो यहां पर आप देखें कैटेगरी वाइज 12,390 दोस्तों, JSO की कट ऑफ के ऊपर फोकस कर रहा हूं मैं सबसे पहले। तो JSO की कट ऑफ के लिए दोस्तों आपको मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि JSO की कट ऑफ में बच्चे कितने लेने हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2020 में दोस्तों 28 गुना, फिर 32 गुना, फिर 30 गुना, फिर 29 गुना। ठीक है, इस तरह से जो है बच्चे यहाँ पर लिए गए। ठीक है, तो कुछ मतलब वैकेंसियाँ दोस्तों यहाँ पर 537, 761,
कट ऑफ 168 गई। ठीक है, ये सारा का सारा एनालिसिस दोस्तों मैंने कर लिया है। ठीक है, जिसमें जितने गुणा बच्चे यहाँ पर पास किए गए हैं, तो लगभग मैंने 27-28 गुणा बच्चों का जो है डाटा अब लिया है। कितने बच्चे दोस्तों पास हो सकते हैं, कितने बच्चे दोस्तों पास हो सकते हैं, ये बच्चे लेने हैं दोस्तों 3500। तो 3500 अगर बच्चे लेने हैं दोस्तों, तो 3500 यहां पर 160 से ऊपर कितने हैं, 12390। अगर मैं मान के चलूं कि लगभग 30% बच्चे जो हैं जेएसओ के लिए क्वालिफाई हैं, तो दोस्तों लगभग जो कट ऑफ जाने की संभावना है उसके हिसाब से मैंने डाटा जो है निकाल लिया है। यहां पर 100 इसके हिसाब से दोस्तों ये वाली कट ऑफ आपकी जा सकती है 162 के करीब, ओबीसी 158, ईडब्ल्यूएस 159, एससी के 140, एसटी के 135, ओएच 124, एचएच 80 और वीएस दोस्तों 112, टोटल आपकी 725 यहां पे वैकेंसी हैं। ठीक है, और जब ये कट ऑफ दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको लोगों बता चुका, तब भी बच्चों ने क्या कहा था कमेंट, क्योंकि जब तक आपकी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी ना, तब तक आपको लगता है कि ये तो गलत है। ठीक है, ये तो गलत है, आप एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे। जब मैंने 139 सबसे पहले कट ऑफ बताई थी, ठीक है, तब भी आप लोग नहीं नहीं इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, रॉन्ग, जब वैकेंसी 400 थी 153, अब 725 ऑलमोस्ट डबल, देन 162, टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें बच्चे देख करके कमेंट सेक्शन में क्या सोचते हैं कि भाई ये तो गलत ही बता रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज होती है कि आखिर पेपर का लेवल क्या है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर जो है बड़ी गौर करने की चीज होती है। जब बच्चे ज्यादा होते तो उनकी डेंसिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है एक नंबर पे। ठीक है, तो ये वाली कट ऑफ 223 में गई थी, 22 में, ये 21 में और ये 20 के अंदर, ये 153 नंबर यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं ये कहूंगा दोस्तों इससे प्लस आपके नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी करें, क्योंकि जेएसओ की जो तैयारी है ना, अगर आप जेएसओ की तरफ ज्यादा ध्यान दिया और 390 नंबर की तरफ बाई चांस आप फेल हो गए ना, तो जेएसओ की जो 390 नंबर से भी आप जो है चले जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इससे प्लस आपके नंबर है तो जेएसओ की तैयारी करें, अदरवाइज टीयर उनके रिजल्ट का वेट करें। तब तक अपने 390 नंबर को ऐसे जकड़ लें, एकदम जबरदस्त तरीके से उसकी तैयारी करें। ठीक है, बेनिफिट आपको उसी में रहेगा। अगर आपके मान लिया 165 नंबर, 163 नंबर है, यानी कि इससे प्लस है, तो डेफिनेटली आप तैयारी करो जेएसओ की। ठीक है, क्योंकि तब अगर कम है तो आप रिजल्ट का वेट करो, 390 नंबर को अच्छे से कर लो, फिर बाकी का दोस्तों एक महीने में जेएसओ का आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझने की हैं जो आपकी चीजों को सिलेक्शन में हेल्प करेगी। और ये दोस्तों कट ऑफ गई थी 2021 में, 22 में, 23 में। ठीक है, इतने इतने बच्चे जो यहाँ पर पास किए गए थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एससी कैटेगरी में लगभग दोस्तों पिछली बार 24 नंबर का डिफरेंस रहा था, और 2022 में भी दोस्तों कितने नंबर का डिफरेंस रहा था, 25 नंबर का, जो यूआर कैटेगरी की और एससी कैटेगरी की में वैकेंसी का और उसका कट ऑफ का डिफरेंस जो है रहा था। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ 2023 में दोस्तों बच्चे जो पास किए गए थे, दोस्तों वो किए गए थे यूआर कैटेगरी से इतने इतने सभी के, तो 65718 में से 36416 बच्चे जो हैं पास हुए थे, जिनके 150 नंबर से ऊपर थे, यानी कि यूआर कैटेगरी से जिनका मार्क्स जो है ज्यादा आए थे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इनके कि कितने गुणा बच्चे पास किए गए थे, ठीक है, वैकेंसी के दोस्तों 3.7 गुणा, सीजीएल 2023 में, 22 में 4.6 गुणा। इनका मैंने एवरेज निकाल लिया कि इस बार 4.2 गुणा तो पास करेंगे। ठीक है, इनका एवरेज हम निकाल सकते हैं, किसी को नहीं मान सकते कि 3.7 या 4.6। ठीक है, इसी तरह ओबीसी के 12.1 गुणा लिए थे, 22 में दोस्तों 11 गुणा लिए थे, तो 11.5। इस तरह से दोस्तों मैंने एवरेज निकाल लिया कि कितने कितने बच्चे जो है पास यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस एवरेज को निकाल लिया तो दोस्तों कितने बच्चे पास हो सकते हैं, वैकेंसी दोस्तों आपकी 6800 वैकेंसी का मैं पता लग चुका है, लेकिन और वैकेंसी जो है ऐड होंगी तो 7300, और इसका जो है 4.2 गुणा, 30600 बच्चे यूआर कैटेगरी के, ओबीसी के दोस्तों 50000, ईडब्ल्यूएस के 24000, एससी के 32000, एसटी के 18000, तो टोटल 156400 बच्चे ऐसे जो हैं हो चुके हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि 65000 में से, इस 65000 में से दोस्तों 36000 बच्चे जो हैं यूआर कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे हैं, यानी कि आधे से थोड़े से ज्यादा। तो अगर मैं बात करूं यहां पर दोस्तों 160000, यानी कि 80-90000 मान के चलो आप, ज्यादा से ज्यादा 90000 बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी कट ऑफ को पार कर रहे होंगे। ठीक है, 90000, ये यहां से आपको डाटा पता लगेगा। और यूआर कैटेगरी कितने, 30600 दोस्तों 600। अगर मैं बात करूं 30600 दोस्तों कहां पर बनेंगे, तो 145 के ऊपर दोस्तों 30307 बच्चे हैं यूआर कैटेगरी के नॉर्मलाइज स्कोर में। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं तो 87000, तो ये आप मामला देखेंगे कि 90000 बच्चे पास, 85 से 90000 बच्चे पास होंगे। ठीक है, 30000 यहां पर हो गए हैं। ठीक है,
तो यानी कि मामला दोस्तों यहीं पर अटकने की संभावना है। ठीक है, ये डाटा दोस्तों मैं दिखा रहा हूं, ये मेरा डाटा नहीं है, रैंक मित्रा का डाटा है और ये एकदम सही डाटा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो 87,000 बच्चे दोस्तों यहां पर 145 से ऊपर ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, बच्चे मार्क्स इस बार दोस्तों लेकर आए हैं। ठीक है, हमने दोस्तों गाइडेंस दिया था 170 प्लस के 10 बच्चे तो हमारे पास हैं, बल्कि एक बिल्कुल छोटा सा ग्रुप हमने जो है प्री के लिए बनाया था, मेंस के लिए भी दोस्तों बना रहे हैं ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया उसके अंदर और कुछ एक बाकी हैं, ज्यादा बड़ा बैच नहीं रखेंगे, बस एक दो दिन में एडमिशन उसके क्लोज कर देंगे। तो 30,000 यहां पर आप देखेंगे कि ये डाटा दोस्तों यहां पर शो कर रहा है कि कट ऑफ हमारी 140 से ऊपर बात करेंगे तो 100,000 बच्चे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 36,000 यानी कि मामला यहां पर दोस्तों अटक रहा है 140 यहां पर 145 के आसपास। ठीक है, 145 के आसपास यहां पर मामला अटक रहा है। तो लेकिन दोस्तों आप किसको तैयारी करनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं और उसके बाद मैं कट ऑफ बताऊंगा। तैयारी दोस्तों किसको करनी चाहिए, कट ऑफ आगे है, ये सिर्फ तैयारी के लिए बता रहा हूं मैं कि इतने इतने नंबर हैं जिसके एक यूआर 140, ओबीसी 135, ईडब्ल्यूएस 130, एससी इतने और एसटी इतने, इनको दोस्तों अपनी तैयारी 100% करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों फैक्टर क्या है, रोंग के वसन, अगर आपकी कोई शिफ्ट में दो के वसन रोंग और आपको शायद पता भी ना हो, क्या पता, तो आपके दो के वसन ठीक हो गए तो दोस्तों यहां पर आपका स्कोर बन जाएगा 144। ठीक है, यहां पर 139। नॉर्मलाइजेशन के अगर आपके मार्क्स दोस्तों, आज आप सोच रहे हो कि 8 नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है आपके 12 नंबर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों इफेक्ट पड़ जाएगा, पास ज्यादा कर दिए, अगर एसएससी ने पास ही ज्यादा बच्चे कर दिए तो दोस्तों 12 को 13 गुना, तो आपका जो है इफेक्ट पड़ेगा वो कट ऑफ कम जाएगी। या फिर चौथा इफेक्ट क्या है कि वैकेंसी दोस्तों इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो सब कुछ दोस्तों, कुछ भी अगर आपके फेवर में जाता है तो आपकी तैयारी टीयर वन के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, इतने अच्छे से तरीके से आप तैयारी नहीं कर पाओगे जितने अब करोगे। सपोज आप टीयर वन में फेल हो गए दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन है क्या, आपके पास अगर पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है तो दोस्तों आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी जो है करनी चाहिए आपको। ठीक है, इतने इतने मार्क्स हैं, तो अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों आपको यहां पर कि इतने इतने बच्चे यहां पर 145 नंबर पे हैं, तो अपने दोस्तों लगभग जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, ठीक है, तो ये वाली दोस्तों यूआर कैटेगरी 144, ओबीसी की 137 दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूं, ये रहा मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर ओबीसी के 50,600 बच्चे पास होने हैं, 50,600 बच्चे पास होने हैं, तो दोस्तों यहां पर 50,600 बच्चे कहां पर बनेंगे ओबीसी कैटेगरी के, तो ओबीसी कैटेगरी के दोस्तों 50,000, 140 से ऊपर 44,000 बच्चे हैं। ठीक है, और 135 से ऊपर 53,000 हैं, यानी कि लगभग 137 के आसपास जो है 50,000 बच्चे आएंगे। ठीक है, 137 के आसपास, इसलिए दोस्तों मैंने 137 बताया। फिर ईडब्ल्यूएस 132, एससी दोस्तों वही मैंने आपको बताया कि 25 एक नंबर का डिफरेंस इनके अंदर रहता है, डाटा के ऊपर नहीं जाएंगे हम इसके, और एसटी में दोस्तों 10 नंबर का डिफरेंस रहता है 105 के आसपास, तो इनमें दोस्तों प्लस माइनस 2 का गैप हो सकता है और इनमें प्लस माइनस 4 का भी जा सकता है। ठीक है, तो बस अपनी तैयारी दोस्तों कर लीजिए, अगर इतने मार्क्स हैं तो कंफर्म तैयारी करो 100%, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में भी हैं कि इनके नंबर 145 147 बने, 148 बने, वो भी डाउट में है कि हमारा टीयर वन का पेपर पास होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली पेपर आपका पास होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप डाटा देखेंगे 150 से तो दोस्तों ऊपर 66,000 बच्चे हैं, तो 145 तो ऊपर नहीं जाने वाला मामला। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में कुछ अलग हो जाए तो उसका बेनिफिट तो दोस्तों आपको भी मिलेगा, और रोंग के वसन की जो है मामला वो यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम जो चैनल है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेता हूं कि मेंस की गाइडेंस दोस्तों किसको लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक होता कि अपने कोर्स सेल करना, भाई कम कट ऑफ बता करके अपने कोर्स, लेकिन हम तो ज्यादा बच्चों यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, हम उन्हीं को जो है लेते हैं, क्योंकि हमारे अभी भी दोस्तों अपने और इंडिया में बिल्कुल टॉप रैंक पे जो है आया बच्चा। ठीक है, मैंने आपको कल बताया भी था। ठीक है, ये वाला उसका 196 पॉइंट यानी कि अभी इसका 197 पॉइंट स्कोर जो है चल रहा है, 197 नॉर्मलाइज्ड स्कोर 200 में से। ठीक है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं दोस्तों, हमने भी मेहनत की है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है, तो इतने इतने मार्क्स अगर प्लस में है, ठीक है, तभी आप जो है अपने मेंस की अपने मरे से गाइडेंस ले पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, अपनी ऐप है दोस्तों डाउनलोड करनी, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लिंक में डाल दूंगा, ये वाली ऐप है, इसको डाउनलोड कर लेना, कट ऑफ दोस्तों जो पार कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर जाना पर्सनल गाइडेंस, यहाँ पर कूपन कोड लगाना आपने। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर हम एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, यहाँ पर बैच चलेगा दोस्तों मेंस के एग्जाम डेट तक, डेली शेड्यूल रहेगा, डाउट टीचर कहाँ से पढ़ने, क्या पढ़ने,
सारी चीजें दोस्तों आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे टेलीग्राम। हम आपको टीच नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ क्या करेंगे, गाइड करेंगे। ये इस बात का आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, ठीक है। और अभी भी दोस्तों किसी को डाउट रहता है तो दोस्तों वो कन्फ्यूजन अपना माइंड से निकाल लो। इतने जो मैंने आपको बताया कि किसको तैयारी करनी चाहिए, इतने मार्क्स बन रहे हैं अपने नॉर्मलाइज, तो अपनी तैयारी करो बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और अगर नहीं कम है तो दोस्तों आराम एक दो दिन का रेस्ट कर सकते हैं, और सीजीएल 25 के लिए फिर से मेहनत करो, और ये सोच के चलो कि 100 टॉप 100 में मुझे रैंक लेकर आना है। थैंक यू दोस्तों।